मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज, प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमनकर्ता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश। दिल्ली के ही पास NCR में ग्रेटर नोएडा जहाँ पर एक गांव है, उस गांव को पुनः जीवंत करके उसको जीवंत किया है। वहाँ पर सुनपुरा में अभयदानम संस्था के द्वारा वहाँ पर कुछ योजनाएं आदि लाई गई हैं, जहाँ पर पक्षियों का, पशुओं का चिकित्सालय बनाया गया है, जहाँ पर गुरुकुल आसपास के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को वहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं और बच्चों की रहने की आदि व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएँ निःशुल्क व्यवस्था है। और वहाँ पर मैं जाकर भी देखा पिछले वर्ष, वहाँ पर खेती आदि होती है बहुत ही शुद्ध तरीके से कि खेती की जाती है, किसी प्रकार का उसमें जीव हिंसा आदि ना हो इस प्रकार से वहाँ पर खेती की जाती है। हथगर्गा का कार्य होता है, हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। बहुत सी कई योजनाएं हैं वहाँ पर चल रही हैं। और वहाँ पर गौरव जी के साथ में बहुत बच्चे टीम लगी, वहाँ पर औषधियाँ खेतों में देशी दवाई उत्पन्न की जा रही है। वहाँ पर कई प्रकार की जो है गन्ने की फसल आदि आदि फसलें जो हैं जिन्हें शुद्ध तरीके से गुड़ आदि बनाकर और आगे लोगों के लिए देना, वहाँ पर आयुर्वेदिक के उपचार आदि होता है जिसमें डॉक्टरों के द्वारा उन्हें शुद्ध दवा आदि देकर और उनको निरोग किया जाता है। ऐसी वहाँ पर जो है संस्था है और उस संस्था में उसी अभयदानम संस्था के द्वारा एक विशाल मंदिर की भी योजना चल रही है। मल्लिनाथ भगवान की एक बड़ी 31 फुट की प्रतिमा विराजमान करने का योजना है कि जो दूर से ही पूरे गांव को दिखाई दे और जितनी जितनी उस गांव में ये भगवान की प्रतिमा विराजमान रहेगी उतना उतना उस गांव की और लोगों की तरक्की होगी। इस कार्य को करने वाले सभी के लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। और जो योजनाएं और हैं उस सभी योजना में आप सभी सहयोगी बने, सबके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद। ओम नमो शिवाय। स्वस्थ लाभ हेतु सगत का आदर वासना सपरिवार
रंजी रंजी जंजी ईश्वर परवास रसनी प्रोक्षा परिवास माया विजय विश्वी शंकर विजी समस्त संस्थानों वालों परिवास समस्त गांधनों गुरु को परिवास श्री रस्तु प्रत्येति तुष्टि हेतु पुष्टि हेतु सात हेतु काम हेतु कल्याण मस्तु स्वाहा कार्य सिद्ध चले शत्रु भिन्न वाड़ा श्री मधुवगत सर्वज्ञ परम परमेश्वरी परम पत्राय नमो श्री शांति भट्टा पाद प्रसाद धर्म श्री वरायु रारोग्य वृद्धि हेतु सदर में शिष्य पर शिष्य वर्ग आपसी तंतु नहा ओम विश्वादय वर्तमान प्रलय चित्र स्थिति है तो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया यह उच्च सिद्ध तवंतु सदर्भ कार्य श्री हम उच्च सिद्ध प्रसिद्ध नहा ओम नमो अरहंत भगवत श्रीमते श्री पाद की तंत्रा है श्री मदनांतर रूपा देवी मूर्ति ब्राह्मण निर्माणता है द्वादश वर्ष संहिता अनंत दृष्टि संहिता है शमोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शुभता इष्टादत्त संहिता षट चतुरंग तोड़ संहिता परमेश्वर ब्रह्म पत्र समय ज्ञान शिव विचित रहता है परमात्मा ने परम सुख है त्रिलोक महिता है अनंत संसार चक्र मर्दना अनंत ज्ञान दर्शन विनिश्चय कृष्णा है त्रिलोक वसन ग्रह सत्य ज्ञान सत्य ब्राह्मण है बेहद ब्रह्म मंडल पड़ता है ऋषि आय नाम श्राव श्राव का नाम प्रमोक्ष तो संग बसर बनाता है हरि कर्म नाचना है अजरायम अवायम सम्पूजी का नाम प्रतिपाली का नाम यदि निशामान तपोधना नाम देशेश्च राष्ट्रेश पुरुष रज्ञान करोत शांति भगवत जिनेन्द्रम करोत शांति भगवत जिनेन्द्रम करोत शांति भगवत जिनेन्द्रम। नमस्कार। तो यहाँ पर हम खड़े हैं फिलहाल जो संस्था है यहाँ पर एक बेसिकली मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं दिल्ली में वित्त मंत्रालय में कार्यरत हूँ एज ए सेक्शन ऑफिसर। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर कभी कभी घूमने आते हैं और पास में एक वैदिक डॉक्टर है यहाँ पर। तो रिसेंटली हमें यहाँ जानने के लिए मिला कि ये जो संस्था है यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं जो घायल हो जाते हैं उनको यहाँ पर लाकर ट्रीटमेंट करते हैं, प्लस अलग से पक्षियों का एक अलग से यहाँ पर एक अरेंजमेंट किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर तो पैरट्स हैं यहाँ पर जो लोग पालते हैं लेकिन उनको संभाल नहीं पाते, तो आप लाके यहाँ पर आप रख सकते हो उसके। यहाँ पर प्रॉपर उनका मेडिसिन दी जाती है, प्रॉपर इलाज होता है। और जैसे कि ये यहाँ पर सामने एक गुरुकुल भी है, यहाँ पर इसमें गुरुकुल है, यहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ाई वगैरह का प्रबंधन किया गया है यहाँ पर। तो हमें जानकर काफ़ी खुशी हुई कि हमारे इस क्षेत्र में ऐसी कोई संस्था है जो मतलब लोग कम इसके बारे में जानते हैं। तो जब हमको ये मालूम पड़ता है कि ऐसी कोई संस्था है जो आजकल के ज़माने में जो लोग बहुत बिजी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे आसपास बहुत सारे पक्षी लोग होते हैं, हमारे पास जानवर होते हैं जो घायल होते हैं, सड़कों पर घूमते रहते हैं, लेकिन हम उसको कभी ध्यान ही नहीं देते कि ये लोग कहाँ जाएंगे, कौन इनका इलाज करेगा। लेकिन यहाँ पर आकर हमें मालूम पड़ रहा है कि ये जो लोग हैं यहाँ पर जो संस्था है खासकर उन लोगों को बेजुबान जानवरों को पक्षियों को एक आवाज़ देती है। तो ये जानकर बिल्कुल ही बहुत ही शांति मेरे को मिली आज। और क्योंकि हम लोग इतने बिजी हो गए हैं आज के ज़माने में कि हम अपने रिश्तों को तो हम टाइम देते नहीं हैं, पक्षियों को कौन टाइम देगा, जानवरों को कौन टाइम देगा। लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि इन कामों को करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आज के ज़माने में। सो मैं तो यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ। आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आएँ और अपना आर्थिक रूप से अपना जो टाइम है कीमती उसको निकाल कर यहाँ पर आप टाइम थोड़ा भी दोगे तो भी इन लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। धन्यवाद। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज, प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश।